नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य के टैक्सी ऑपरेटर्स को बड़ी राहत देने पर विचार कर रही है, जिसके अंतर्गत टैक्सी ऑपरेटर्स को भी प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की तरह कोरोना काल के दौरान दी गई टैक्स माफी के समान टैक्स माफी दिए जाने का मामला विचाराधीन है। अब सरकार टैक्सी ऑपरेटर्स को टैक्स में छूट देने पर विचार पर मंथन कर रही है। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने पंजाब टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन के प्रतिनिधियों की मांगों को ध्यान से सुनते हुए ये जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोरोना काल के समय के दौरान सभी कामकाज ठप होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट और स्टेज कैरिज प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को टैक्स माफी दी गई थी। अब टैक्सी ऑपरेटर्स को भी उसी समय सीमा के लिए टैक्स माफी देने के लिए सरकार विचार कर रही है। मंत्री ने टैक्सी ऑपरेटर्स को भरोसा दिलाया कि उन्हें आरटीए दफ्तरों में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मंत्री भुल्लर ने अफसरों को हिदायत दी है कि सरकारी कार्यालयों में एजेंटों की इनकम पर पूर्ण पाबंदी को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से ज्यादातर सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है, जिससे टैक्सी ऑपरेटर्स को सरकारी कार्यालयों में परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि विभाग में अभी भी कुछ मंजूरियां मैनुअल हैं, जिनको जल्द ही ऑनलाइन कर दिया जाएगा। परिवहन मंत्री ने टैक्सी ऑपरेटर्स की उस मांग पर भी विभाग के अधिकारियों को विचार करने के लिए कहा है, जिसमें उन्होंने लोकल पंजाब परमिट वाहनों को पड़ोसी राज्यों में जाने के लिए ऑनलाइन मंजूरी देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से टैक्सी ऑपरेटर्स की परेशानियों के समाधान के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने के बारे में भी विचार किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटर्स से अपील की है कि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्दी पहने और अपने वाहनों में सुरक्षा यंत्र जरूर रखें। इस खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।